the amount which I am earning right now from YouTube is मेरा मतलब कई बार ऐसा होता है ठीक है जैसे न्यूमी है अगर आप न्यूमी के कैंपेन में जुड़ना चाहते हो तो आप सवाना का पार्ट नहीं हो सकते हो या आई थिंक वेरी पॉजिटिव वेरी वेरी पॉजिटिव मतलब टच वुड I can go back onto my journal and live that day, whether it is bad, good or whatever. दो चीज़ें अपने जीवन में कभी नहीं करनी है. I mean, very, very specifically, मुझे दो चीज़ें अपने लाइफ में कभी भी नहीं करनी है. Hello, you guys, welcome back to my channel. So, if you are seeing this space for the very first time, then please do like, comment, share, and subscribe to my channel. And then we begin with this video. And for today's video, I have a Q&A. So, basically, हुआ क्या था? कि मैं सोच रही थी कि बहुत बहुत दिनों से मैंने अपने लाइक YouTube पे कुछ भी पोस्ट नहीं किया हुआ है सो आई वॉज लाइक चलो करते हैं बट इस बार हम Q&A करने वाले हैं क्योंकि Instagram पे मेरी काफ़ी सारी ऑडियंस जो है वो अब धीमे धीमे बिल्ड हो रही है ठीक है सो या आई वॉज लाइक कि अगर किसी भी लड़की को कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकते हैं बिकॉज मुझे बहुत से लोग DM कर रहे हैं इस टाइम पर कोलैबोरेशंस के रिगार्डिंग कंटेंट क्रिएशन के रिगार्डिंग एंड बिकॉज आई एम अ स्मॉल क्रिएटर और वो मुझे देख रहे हैं कि मेरी रील्स थोड़ी थोड़ी वायरल जा रही हैं तो दे वॉन्ट टू नो कि एक स्मॉल क्रिएटर की जो रील है वो कैसे वायरल जाती है क्या होता है ठीक है सो वो मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस करते हैं बट वो कहीं खो जाता है और मुझे दिखता ही नहीं है इंस्टाग्राम में बिकॉज लिंक सब मैसेज करते हैं और उनको लिंक्स जाने लगती है ऑटोमेटेड तो और लोगों का मैसेज कहाँ वहाँ मिक्सअप हो जाता है ना मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता है सो आई थॉट टू मेक दिस वीडियो एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी जस्ट अबाउट कॉन्टेंट क्रिएशन इट्स गोइंग टू बी अबाउट मी लाइक डीप इनसाइड मी एक्चुअली जब मैंने क्वेश्चन लिया था ना सो आई थॉट कि क्या ही क्वेश्चन आएगा ज़्यादा से ज़्यादा आएगा वेयर डू यू लिव व्हाट डू यू डू स्टफ्स लाइक दैट बट नो इट्स लाइक लोगों के क्वेश्चंस ऐसे हैं ना कि दे रियली रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग मी मतलब मैं अंदर से क्या हूँ डीप इनसाइड मी व्हाट लाइक व्हाट इज माई थिंकिंग प्रोसेस या फिर जो भी है अभी हम उस बारे में बात करेंगे सो या बींग सेड विद ऑल ऑफ दैट लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो सो नाउ आई हैव चेंज द कैमरा एंगल बिकॉज अंदर ऐसा हो रहा था कि इससे फ्लैश लाइट जली हुई थी और ये मेरे फेस पर आ रही थी तो मैं जाकर इंट्रो कर पाई बिकॉज अभी बारिश हो रही है तो लाइट बहुत ही डिम हो गई है कोई भी सनलाइट नहीं है कुछ नहीं है सो आई थॉट कि अगर मैं फ़ोन को बाहर रख के फिर रिकॉर्ड करूँ तो इट वुड बी बेटर एंड मेरे पास जो क्वेश्चन आए हैं ना वो ज़्यादा नहीं है लाइक 10 से 12 ही क्वेश्चन है बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है बट कुछ उसमें भी रिपीटेड थे तो मैंने सोचा कि एक में मर्ज कर देते हो उसको एंड अगर आपको मेरे बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है डीजे एंड ऑल की ना प्लीज़ इग्नोर इट्स इंडिया तो यस चलो अब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है मुझे दैट इज़ जी आप क्या क्या करते हो एक शॉर्ट इंट्रो बता दो मीशो लाइव MBA कंटेंट क्रिएशन पार्ट टाइम जॉब ओके सो माई आंसर टू दिस क्वेश्चन इज All of it and plus work of collaborations and work with small businesses, work as a freelancer. So yes, चलो मैं आपको एक short intro दे देती हूँ. See, my full name is Arpita Pandey, but I have given Arpi Pandey name to me just because मुझे लगता है कि Arpita में से वो TA हटा करके ना मैं अपने अंदर की सारी negativity को kill कर चुकी हूँ. Because ब्रूटली ऑनेस्ट होकर मैं बोलूँ तो 3 से 4 साल पहले आई वॉज अ वेरी वेरी नेगेटिव पर्सन मुझे खुद में से बड़ी ऐसे गंदी गंदी सी वाइब्स आती थी बट नाउ आई हैव चेंज्ड अ लॉट ठीक है लाइक अब मेरी सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है ये वो सो फॉरवर्डिंग दैट माई नेम इज़ Arpi Pandey एंड मैं MBA कर रही हूँ उसके साथ साथ में मैं कॉन्टेंट क्रिएशन भी करती हूँ और उसके साथ में मैं स्मॉल बिजनेस के साथ वर्क करती हूँ मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हूँ इन अ स्टार्टअप कंपनी पहले मैंने वहाँ पे 2 महीने की इंटर्नशिप की थी इन माई 3rd ईयर ऑफ BCA मैंने इससे पहले BCA कर रखा है तो मैंने उसमें 3rd ईयर में 2 महीने की इंटर्नशिप करी थी विच इज़ नॉन पेड बट नाउ आई एम गेटिंग पेड फॉर माई वर्क ठीक है और वो पार्ट टाइम जॉब है और उसके साथ मैं मीशो लाइव लेती हूँ जो कि 1.5 घंटे का सेशन होता है और मैं एक दिन में 2 मीशो लाइव लेती हूँ ऐसा नहीं है कि डेली लेती हूँ नहीं वो मेरे हिसाब से कपड़े कब आ जाएंगे मैं कब अपना स्लॉट बुक करवा दूँगी ठीक है सो दैट डिपेंड्स एंड इसके साथ में मैं कोलाब्रेशन करती हूँ और साथ में मैं फ्रीलैंसिंग भी करती हूँ एक्चुअली मैं फ्रीलैंसिंग एज अ प्रॉपर फ्रीलैंसर नहीं करती हूँ मैं फ्रीलैंसिंग पर बिल्कुल भी इनरोल्ड नहीं हूँ कहीं तक भी दूर दूर तक बट कुछ एजेंसीज हैं बीच में जो कि फ्रीलैंसिंग का वर्क मुझे ला करके देते हैं और मैं उनके लिए कॉन्टेंट क्रिएट करती हूँ ठीक है एज सिंपल एज दैट
So yes, this all I do, and yeah, this is a short intro about me. बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो यार क्या ही बोलूँ. So second question is from my senior. तुम इतनी प्यारी क्यों हो? Actually आपने मुझे प्यारी समझा, इसके लिए थैंक यू सो मच. एंड मैं शायद इसलिए प्यारी हूँ बिकॉज आई एम सराउंडेड बाय रियली रियली गुड पीपल्स एंड यस लाइक यू. तो या नाउ उन्हीं का सेकेंड क्वेश्चन है विच इज़, एंड उनका ही सेकेंड क्वेश्चन नहीं है, और भी लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा था. ठीक है, हाउ डू यू मैनेज योर कॉलेज लाइफ एंड कॉन्टेंट क्रिएशन बोथ? ओके, सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि यार जब आपको कुछ करने का मन होता है ना, तो पूरी कायनात वो पूरा करने में लग जाती है. ठीक है, जब आपको लगता है कि आपको करना ही है, आपका मन है, तो फिर आप कैसे ना कैसे करके यू फाइंड अ वे टू दैट. आप फिर बहाने नहीं बना सकते हो. लेट्स टेक एन एग्जांपल, जब तक मेरे पेरेंट्स मुझे बोलेंगे तुमको ये करना है, वो करना है, तुमको पानी भर के रखना ही रखना है, तुम्हें शाम की चाय बनानी ही बनानी है. ठीक है, सो वी आर लाइक यार कर दे रहे हैं ना, उठ रहे हैं ना. बट जिस दिन हमने डिसाइड कर लिया कि हमें आज इडली खानी है और इडली के लिए मुझे सामान चाहिए, तो मम्मी से पूछेंगे मम्मी इडली के लिए ये है वो है, ऐसा नहीं है, पैसा तो हम लेके आएंगे. तो जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है ना, वी ऑलवेज फाइंड अ वे टू दैट. एंड यस, और इसको मैं अगर ब्रेक डाउन करके डीप डाउन बताऊँ तो 9 से 5 मेरा कॉलेज रहता है, और क्योंकि मैं सनलाइट में शूट करती हूँ तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ. 5 बजे उठने के बाद मैं सुबह सुबह ही शूट कर लेती हूँ अपना कुछ कंटेंट, और फिर आई जस्ट टेक अ शावर और आई डू वर्शिप, फिर मैं चाय वगैरह पी करके तैयार होकर के कॉलेज निकल जाती हूँ, और कॉलेज से आती हूँ मैं 5:30 पर अपने घर में. एंड 5:30 के बाद फिर मैं स्टार्टअप का काम करती हूँ 2 से 3 घंटे. एंड उसके बाद अगर मेरा मीशो लाइव है तो मैं फिर मीशो लाइव लूँगी. ठीक है, और मीशो लाइव जो है वो रात का मैं सेशन रख देती हूँ, मतलब 9:30 से 11 वाला या फिर 9 से 10 वाला, ऐसा कुछ स्लॉट मैं रख देती हूँ. और फिर उसके बाद रात में मैं बैठ के एडिट करती हूँ सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें, मतलब ब्रांड को देना, फिर अगर उन्होंने सेकेंड टाइम एडिट बोल दिया, थर्ड टाइम एडिट बोल दिया, तो वो भी करना पड़ता है, तो वो भी करती हूँ. एंड रात को सारा काम सॉर्ट करना पड़ता है सोने से पहले, जो कि हो नहीं पाता है, बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, कुछ चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, बट एनीवेज आई विल फिगर इट आउट सून. तो या दिस इज़ हाउ आई मैनेज माय वर्क. और रात में मैं ऐसे 2 बजे सो रही हूँ आजकल, और सुबह उठ रही हूँ 5 बजे. लाइक क्या ही बोलूँ, पूरा दिन भी मेरा नींद में ही जा रहा है. एनीवेज मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, वर यू नर्वस वाइल स्टार्टिंग इट दैट पीपल विल जज यू एंड विल इट वर्क और नॉट? ओके, शी इज़ टॉकिंग अबाउट कॉन्टेंट क्रिएशन. सो इन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि क्या मैं नर्वस थी स्टार्ट करने के पहले. ऑनेस्टली आई वॉज नॉट नर्वस. आई वॉज लाइक कि यार मुझे कॉन्टेंट बनाना है, मैं कॉन्टेंट बनाऊँगी एंड ऑफकोर्स बनाऊँगी. किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा, इट डजेंट मैटर फॉर मी. मतलब जिनको पसंद आ रहा है मैं उनके लिए बनाऊँगी, जिनको पसंद नहीं आ रहा है इट डजेंट मैटर फॉर मी. यार मतलब इट्स अ बिग बिग वर्ल्ड. ठीक है, वर्ल्ड भी नहीं, यूनिवर्स, यूनिवर्स भी नहीं, सोलर सिस्टम, मतलब क्या ही बोलूँ मैं. मतलब किसी एक इंसान का या 10 इंसान का या 100 इंसान का भी बैड ओपिनियन मेरे लिए मैटर नहीं करता है. लाइक येस आई एम वेरी वेरी रिजिड ऑन टू दिस कि तुम कितना भी बुरा सोच लो, मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगी. आई एम दैट कोल्ड हार्टेड. येस, एंड रही बात कि पीपल जज नहीं करेंगे ये वो, एक्चुअली मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं. मुझे लगा स्टार्ट कहीं ना कहीं से तो करना है ना यार. तो आप अगर मेरी बहुत पहले की वीडियो जा करके देखोगे जो मैंने इंस्टाग्राम पे बनाई है, तो यू विल सी कि इस रूम में बनाती थी मैं, और ये रूम भी पेंटेड नहीं था, बिल्कुल भी पेंटेड नहीं था. और मैंने जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाया करती थी तो मैं नीचे वाले रूम में बनाया करती थी वीडियो, और मेरे पास ना ही माइक था ना ही कुछ था, पंखा भी चलता रहता था. तो हमें हमेशा परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है. 0 से स्टार्ट कर दो, 1 सीख जाओगे, 2 सीख जाओगे, 3 सीख जाओगे, 4 सीख जाओगे, और ऐसे करते करते कहीं ना कहीं मतलब 100 पे तो पहुंच ही जाओगे. मतलब नहीं भी पहुंच पाए तो क्लोज टू दैट तो हो ही जाएगा, है ना. सो वही मैं भी ट्राई कर रही हूँ, डे बाई डे थोड़ा सा इम्प्रूव करना. एंड दैट इज़ इट. एक क्वेश्चन कितना लंबा क्यों बोल देती हूँ मैं, चलो. सेकेंड क्वेश्चन इज, डू यू वर्क और इज दिस फुल टाइम? नो, एक्चुअली आई डू वर्क, आई डू मल्टीपल वर्क इन फैक्ट. एंड विद दिस आई वॉन्ट टू से दैट आई एम डूइंग MBA. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम जस्ट स्टार्टिंग कॉन्टेंट क्रिएशन, सो एनी टिप्स फॉर बिगिनर्स? येस, आई हैव अ वेरी वेरी सॉलिड टिप, दैट इज़ बी कंसिस्टेंट.
नो मैटर वॉट, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, मतलब बी कंसिस्टेंट. दिस इज द थिंग आई वॉन्ट टू से. क्योंकि यार देखो, मैं एक चीज़ बोलूँगी, परफेक्शन के पीछे मत भागना, ठीक है. अगर शुरू में बैकग्राउंड सही नहीं लग रहा है तो भी वीडियोज़ बनाओ यार, ठीक है. अगर तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो गया है, एडिट सही नहीं हुआ है, तो भी वीडियो बनाओ यार, तो भी पोस्ट करो, ठीक है. एटलीस्ट तुम उस वीडियो को देख करके एट द लास्ट सोच पाओगी, जब तुम बहुत अच्छा करने लगोगी, ऑफकोर्स तुम करोगी, और जब तुम बहुत अच्छा करने लगोगी तो तुम्हें लगेगा ये चीज़ कि यस यार, मैं क्या बनाया करती थी और अब मैं कहाँ हूँ, ठीक है. तो ट्रैक योर इम्प्रूवमेंट थ्रू योर इम्परफेक्शन, दिस इज माई सजेशन. नाउ वैसे मैं भी कोई बहुत बड़ी क्रिएटर वेटर तो नहीं हूँ, थोड़ा 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 करके ग्रो हो रही हूँ. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब राइट नाउ. ओके, सो द अमाउंट विच आई एम अर्निंग राइट नाउ फ्रॉम यूट्यूब इज जीरो. यस, लिटरली इट्स अ जीरो. बिजली आई ना, हाँ. सो अभी वीडियो रिकॉर्ड करते करते मेरा फ़ोन अपने आप ही बंद हो गया था, बिकॉज स्टोरेज नहीं थी. अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें डिलीट की हैं, तो चलो जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन को कवर अप कर लेते हैं, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं. सो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं नहीं, उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते पहले. तो उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, मेरा एक दूसरा अकाउंट भी है, विच इज़ RP मिनी व्लॉग. तो RP मिनी व्लॉग में डॉलर्स में अमाउंट ऐड होना शुरू हो गया है, बट अभी तक मुझे एज एन मिला नहीं है, ठीक है. सो यस, एंड नेक्स्ट, बट या आई डू अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम. तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप एयर होस्टेस हो. नहीं, मैं एयर होस्टेस नहीं हूँ. आई वेंट फॉर द इंटरव्यू जस्ट फॉर एन एक्सपोजर, कि उसमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मैं उस लायक हूँ कि उसको क्रैक कर पाऊँगी या नहीं, और अगर नहीं होता तो आई विल लर्न समथिंग, ठीक है. सो येस, एंड येस, आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड इन टू राउंड्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन स्किल्स, बट वेन इट कम्स टू माई फिजिकल अपियरेंस, I got rejected, not because of my face, not because of my hand and legs, but because of my height. So yeah, height matters a lot in air hostess. So the next question is, what kind of niche we can select if we want to start faceless content? Okay, if you want to start a faceless content, then you should go with your interest. It can be skincare, it can be like outfit reviews, it can be your mini vlogging. मैं देख रही हूँ आजकल Instagram पे mini vlogging काफ़ी ज़्यादा चल रही है. या फिर the best thing you can do is cooking videos. Cooking videos are really doing boom. मतलब ऐसे से ऐसे grow हो रहा है, ठीक है. So that could be a faceless video. And I would suggest कि आजकल Bitmoji या फिर AI generated face काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, तो आप वो try कर सकते हो. इफ इनके सब कुछ कैमरे के सामने आके कुछ बताना है, बोलना है, तो आप एक काम कर सकते हो कि वो फिल्टर अपने चेहरे पर लगा सकते हो. एंड वैसे भी कॉन्टेंट आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है. सो येस, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई वॉन्ट टू स्टार्ट कॉन्टेंट क्रिएशन, प्लीज़ गिव मी सम टिप्स. अनदर, वही सेम आंसर है मेरा, बी कंसिस्टेंट एंड भूल जाओ कि कौन क्या सोचने वाला है. ट्रैक योर प्रोग्रेस थ्रू योर इम्परफेक्शंस. जब एक चीज़ बहुत अच्छा करने लगोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, पिछले बार मैंने ये मिस्टेक्स करी थी जो कि मैं आज नहीं कर रही हूँ, ठीक है. तो डे बाई डे आपका कॉन्टेंट जो है वो बेटर होता ही चला जाएगा. देर इज़ नो गोइंग बैक. ऐसे आ रही हो तो ठीक है, ऐसे आ रही हो तो पूरा वो ही ख़राब हो जा रहा है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए जिसने भी पूछा है उसने बहुत ही मतलब मेरे को डीपली जानने के लिए पूछा एकदम अंदर से, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है, टेल थ्री थिंग्स विच यू लाइक द मोस्ट अबाउट यू. ओके, सो थिंग्स विच आई लाइक, थिंग्स विच आई नॉट रियली लाइक बट लव अबाउट मी इज, फर्स्ट माई परसेप्शन. लाइक माई परसेप्शन टू सी द थिंग्स इज वेरी वेरी स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड वेरी वेरी पॉजिटिव. जैसे क्या हुआ था कि कल ना मुझे एक सामान को कुरियर करवाना था, बारिश होने लग गई थी. सो एट दैट टाइम आई वॉज लिटिल फ्रस्ट्रेटेड कि क्यों बारिश होने लग गई. देन आई वॉज लाइक कि नहीं, और मेरा माइंड तुरंत से स्वॉप कर गया और मेरे माइंड ने सोच लिया कि अगर बारिश हो रही है तो गॉड या यूनिवर्स डोंट वॉन्ट यू टू गो आउटसाइड योर होम. वो चाहते कि पहले तुम घर का कॉन्टेंट पूरा कर लो और उसके बाद लाइक आगे बढ़ो ना, ठीक है भाई. तो मैंने वैसा किया, मैंने घर का कॉन्टेंट निपटा लिया. एंड एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं, मेरा एक ट्रैपॉड था विच गॉट ब्रोकन बाई मी, एंड उसके जस्ट बाद ही मेरा मीशो लाइव था.
एंड मीशो लाइव में क्या होता है कि मैं ऐसे सेट कर देती हूँ ट्राईपॉड को फ़ोन को और उसके बाद मैं रिकॉर्ड करती हूँ। एंड माय क्या बोलूँ यार, मैं फ़ोन कहाँ पे रखती, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं फ़ोन कहाँ रखूँ, मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ। एंड आई वॉज़ लाइक डैम। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टीच मी कि तुमको ये बहुत पहले चेंज कर लेना चाहिए था। मतलब कई बार वो हिल रहा था, कई बार मैंने उसको फिक्स किया था टेप वगैरह से। फिर मेरे को लगा नहीं यार, मैं ऐसा कोस नहीं सकती हूँ कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, बिकॉज मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उसके लिए बेटर स्टेप्स नहीं लिए। मुझे एक अच्छा ट्राईपॉड पहले ही ले लेना चाहिए था ये। एंड अगर मेरा लाइक मैंने कहीं पे भी किसी भी ब्रांड से मैं कोलैबोरेशन चाहती हूँ, मैंने उनको कोलैबोरेशन रीच आउट कर दिया है और उन्होंने रिवर्ट बैक नहीं किया है, तो आई वाज लाइक हो सकता है गॉड इससे भी कुछ बेटर लिख रहे हो मेरे लिए, है ना। मतलब हो सकता है कि इससे भी कोई बहुत अच्छा ब्रांड हो जो मुझे कल को मेल करने वाला हो, तो और वो चाहता हो कि मैं इसके साथ काम ना करूं, इसीलिए भगवान ने ऐसा कर दिया कि वो सामने वाला मुझे मेल बैक नहीं कर रहा है। मतलब कई बार ऐसा होता है, ठीक है, जैसे न्यूमी है, अगर आप न्यूमी के कैंपेन में जुड़ना चाहते हो तो आप सवाना का पार्ट नहीं हो सकते हो, ठीक है, ये उनका स्ट्रिक्ट रूल है। तो यस, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैंने सोचा कि हो सकता है ये ब्रांड मुझे रिवर्ट बैक इसीलिए नहीं कर रहा है बिकॉज द यूनिवर्स डोंट वांट मी टू वर्क विद दिस ब्रांड, बिकॉज शायद इससे भी बड़ी कंपनी को एजेंसी मेरे साथ काम करना चाहती हो। तो मैं ऐसी चीज़ें सोचती हूँ, ठीक है। और लेट्स से कि वो चीज़ हो ही नहीं रही है, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ ना अभी प्रोग्रेस में होगी और वो चीज़ ना अभी अपना बेस्ट वर्जन बन रही होगी, इसलिए अभी तक वो मुझ तक नहीं आई है। मैं ऐसा सोच लेती हूँ। तो या आई थिंक वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव, मतलब टच वुड, ठीक है ना। सेकेंडली, ये तो मेरे बारे में पहली चीज़ होगी जो मुझे पसंद है। दूसरी चीज़ है आई नेवर एवर स्टॉप, नो मैटर वॉट, मैं रुकने नहीं वाली हूँ। बारिश हो रही है तो यार लेट मी शो यू द बारिश। बारिश दिख रही है आप लोगों को, मतलब आई गेस दिख रही होगी या एनीवेज। तो आई नेवर स्टॉप नो मैटर व्हाट, हो सकता है मैं किसी दिन अच्छी नहीं लग रही हूँ, हो सकता है मुझे टैनिंग हो गई है, हो सकता है कि कुछ भी हो, बट आई नेवर स्टॉप। मेरी कंसिस्टेंसी कभी बंद नहीं होती है, मैं डेली पोस्ट करती हूँ तो डेली पोस्ट करती हूँ। नाउ द थर्ड थिंग विच आई लाइक अबाउट मी द मोस्ट इज जर्नलिंग। आई डू जर्नलिंग एंड जब भी मुझे लगता है ना कि आई वॉन्ट टू गो बैक इन टू दैट टाइम एंड आई जस्ट वॉन्ट टू लिव दैट डे, तो मैं क्या करती हूँ, आई जस्ट ओपन माई जर्नल एंड उस डेट पर जाती हूँ। उस डेट पर मैंने हर एक चीज़ लिखी होती है, हाँ आज ये हुआ, इस ब्रांड से इतना पे आउट मिला, इसने मुझे इतना ठगा, ये मेरा स्कैम हो गया, या फिर यार लाइट एकदम लो होती जा रही है, मैं जल्दी ख़त्म करती हूँ, ठीक है, या फिर ऐसा ऐसा चीज़ें हो रही है मेरे साथ। तो क्या होता है, मैं अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सब लिखती हूँ सो दैट आई कैन गो बैक ऑन टू माई जर्नल एंड लिव दैट डे, वेदर इट इज़ बैड गुड और वट एवर इट इज़। यस, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड प्रोबेबली विद द लास्ट क्वेश्चन आई गेस इज थिंग्स यू विल नेवर डू। ओके, आई डोंट नो व्हाई दिस क्वेश्चन कम्स इनटू योर माइंड, बट सो लेट मी जस्ट स्पीक ऑन टू द कैमरा आउट लाउड दैट मुझे दो चीज़ें अपने जीवन में कभी नहीं करनी है। आई मीन वेरी वेरी स्पेसिफिकली मुझे दो चीज़ें अपने लाइफ में कभी भी नहीं करनी है। फर्स्ट इज किसी भी टाइप का नशा, ठीक है, वेदर इज स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वट एवर, ठीक है, पहली चीज़ तो वो। एंड सेकेंड थिंग, आई नेवर एवर एवर वॉन्ट टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप। कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, हो सकता है कि जिन्होंने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा वो बहुत अच्छे से डांस कर रहे हैं, उन्हें बहुत मज़े आ रहे हैं और मुझे नहीं आ रहे, मतलब ऐसा होता नहीं है बट मैं बता रही हूँ, हो सकता है मुझे नहीं आ रहे, तो आई बी हैप्पी कि हाँ भाई मुझे वो मज़ा नहीं मिल रहा, ठीक है, मुझे चाहिए भी नहीं है, कुछ भी कर लो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। एंड मैं कितना भी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देख लूँ, लवी डबी ये वो फला ढिमकाना, बट मुझे नहीं चाहिए। आई एम वेरी वेरी क्लियर ऑन टू माई टर्म्स कि मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए। मुझे कभी भी ये अल्कोहल वगैरह या फिर नशा पत्ती नहीं करना है। सो यस, आई गेस दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड मुझे लगता है मेरी स्टोरीज खत्म हो रही है तो मैं जल्दी से ऑर्डर करके बंद करती हूँ ये वीडियो। इफ़ इन केस कोई भी क्वेश्चन छूट गया होगा तो प्लीज़ आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड येस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, एंड या